अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। जो मैंने आपको कल स्पॉन्ज बनाना बताए हैं कि आप लोग फ़ौरन से अगर ऑर्डर आए तो जल्दी में क्रम्स भी ना निकले और सुपर स्टेबल स्पॉन्ज कैसे बने, उसकी आज मैं फर्स्टिंग का आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर किया था। सब काम व्हिपिंग क्रीम से लेकर इसको स्टेबल कैसे रखा था, तो मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है क्योंकि मुझे इसके साथ 5 केक्स और बनाने थे जो कि तकरीबन 2 घंटे बाद बनाने थे। उनके स्पॉन्जेस मैंने रात को रेडी कर लिए थे, तो क्रीम मैंने एक साथ ही बीट कर ली थी। तो तकरीबन मैंने जो है ना 1 kg से ऊपर 200 ग्राम ऊपर क्रीम ली थी, और मैं कहा चले कम ना हो जाए, थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर दी थी क्योंकि क्रीम बच जाए तो मैं इसके गनाश में ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। ख़राब तो नहीं होती क्योंकि ऑर्डर आते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो जाती है, वेस्ट नहीं होती है। तो अभी मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। अच्छा, व्हिप करने के लिए ना मैंने क्या करती हूँ, मैं दो चीज़ों ख़ासतौर पे जो चॉकलेट केक, अगर मुझे सिंपल वनीला बनाना हो तो मैं ये वाला स्टेप फॉलो करती हूँ। जो मैंने वाइट गनाश बना के रखी हुई होती है वो इसके अंदर कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखती हूँ मुझे कितनी ऐड करनी है। जस्ट वाइट चॉकलेट होती है और व्हिपिंग क्रीम को मैंने डबल बॉयलर पर मेल्ट किया होता है, वो एक मेथड होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस तरीके से मैं इसको बना के रख लेती हूँ। जो बच जाती है वो एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप लोग 1 वीक तक जो है ना इसको सेव कर सकते हैं। एक तो मैं वो ऐड कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं देखती हूँ हमारे पास व्हिपिंग क्रीम कितनी है उस हिसाब से, और सेकंड जो है ना मैं इसके अंदर चॉकलेट गनाश ऐड कर देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है इस हिसाब से मैंने चॉकलेट गनाश बनाई हुई है, वो मैंने जो है ना इसके अंदर टोटली पूरी ऐड हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल करती है फिर कि आपको जो क्रीम है ना वो चाहे जो भी मौसम होता है वो स्टेबल रहती है। जाहिर सी बात है, जैसे अब यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको रखने का बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए कूलिंग रैप फ्रिज में रख दूँ, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, क्रम कोट कर लूँगी तो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर जो है ना आपको इसी तरीके से करना पड़ता है। मैंने जो केक्स थे उसको मैंने 8 इंचज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रखकर तो मैंने कट कर लिया था, और अगर कहीं से आपको लगे कि ऊंचा नीचा हो रहा है तो आपने वहाँ पर जो है ना स्पॉन्ज की एक लेयर लगाकर तो ऊपर जब सोक करते हैं ना तो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जब आप लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें मैनेज होती जाती हैं। ये किसी के बताने से नहीं आता, हाँ आइडिया ज़रूर मिल जाता है लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, और ख़ासतौर पे जो स्क्वायर केक होता है ना, इसको उन्होंने कहा था बस हमें ना बेकरी वाला केक चाहिए, स्प्रिंकल्स लगा दें आप, वो फूल वूल हल्का फुल्का बना दें, हमें बस आप बना दें, हमें बेकरी से नहीं लेना। तो उसकी वजह से ना मुझे ये बनाना पड़ा था, और इस पर बस उन्होंने कहा था कोई डेकोरेशन नहीं करनी, बस स्प्रिंकल बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा जैसे कि बेकरी से मिलते हैं, और डिज़ाइन भी बेकरी से मिलता जुलता होना चाहिए। तो मैंने उसी तरह सेम, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आप कोई इस तरह की क्रिएशन कर भी नहीं सकते हैं कि इतना कम टाइम होगा, स्पॉन्ज भी जाहिर है स्टेबल नहीं था उतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आपने इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना होता है। और सेकंड जो मैंने आपको वीडियो बताई वो वाला स्पॉन्ज जब आप बनाओगे ना अर्जेंट वाले के अंदर, तो आप लोग खुद देखोगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह स्पॉन्ज आपका कभी भी ना बैठेगा, ना तंग करेगा, ना कटिंग के दौरान तंग करेगा। तो रेसिपी का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये देखो मैंने पास रखी हुई है, और मौसम को इतना ठंडा नहीं है लेकिन जो है ना मैं इसको साथ साथ रख कर आराम से कर रही हूँ, तो ये स्टेबल हो गई है। ठीक है, फिनिशिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का टाइम चाहिए होता है, इसके लिए स्क्वायर के लिए ख़ास तौर पे अच्छा खासा टाइम 15 से 20 मिनट जो है इसकी नीटनेस के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इतना कोई टाइम नहीं था क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट पहले बाहर खड़े थे आकर और उनको केक चाहिए था, तो मैंने इसको 5 मिनट भी फ्रिज में नहीं रखा था। तो मैंने जो है ना जल्दी जल्दी जिस तरह से हुआ मैंने इसको नीट किया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने एक तो स्प्रिंकल्स लगा देने थे, दूसरा साइड से मैंने डेकोर कर दिया, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबल और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना व्हिपिंग जो है ना चॉकलेट जो है ना वो क्रेव और मिल्कीज़ की मिक्स एंड मैच करके यूज़ किया, दोनों यूज़ की थी गनाश में भी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से मिक्स एंड मैच अगर ना हो तो आप दो चॉकलेट्स को मिक्स भी कर सकते हो। अच्छा, चॉकलेट जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी टेस्ट आपका जो है ना उतना अच्छा आएगा, ये बात तो गारंटीड है, तो आप लोग उस चीज़ पे फोकस करें। अच्छा, केक क्योंकि स्टेबल नहीं था, फ्रिज में नहीं रखा था, तो मैंने गनाश डाली तो जाहिर है वो स्टिकी हो रही थी, तो बस मैंने स्पून से ना, ये सबसे ईजी मेथड होता है कि आप स्पून से इसको लगा लेंगे और उसके बाद जो है ना हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो बस ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया था, स्प्रिंकल्स लगा दिए थे और उसको मैंने जस्ट 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा, और मैंने सेकंड केक की तैयारी कर ली थी, और इसके बाद जो है ना मैंने जो है ना इसके ऊपर भी वही क्रीम मैंने अप्लाई की हुई, दोनों केक एक ही थे, फ्लेवर के थे, चॉकलेट ही बनाने थे।
तो यहाँ पर जो है ना, मैंने दूसरी लेयर जो ऊपर वाली लेयर थी ना, वो मैंने नीचे साइड पे रखी थी, और ताकि वो ऊपर से सरफेस स्मूथ रहे, और स्क्रैपर से इसको नीट करते जाना है पाइपिंग बैग, क्योंकि यही एक आसान ऑप्शन और जल्दी जल्दी वाला हल यही होता है कि आप पाइपिंग बैग में डालो क्रीम को और इसको अच्छे तरीके से जो है ना स्क्रैपर से फ़ौरन से नीट कर लो, तो ये नीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी इसके ऊपर, मैंने 1 mm नोज़ल से ना बस फ्लावर वगैरह बनाए थे और जल्दी जल्दी से इसको नीट कर लिया था। और उसके बाद जो है ना, स्प्रिंकल्स भी बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, अगर आप लोग बहुत होलसेल में खुले स्प्रिंकल्स लेते हो तो बहुत चीप और सस्ती प्राइस में मिल जाते हैं। आई थिंक 1200 रुपये के हाफ के जी तो आपको मिल ही जाते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो बस मैंने साइड्स का लुक बिल्कुल उस तरह से दिया जिस तरह बेकरीज में होता है, टॉपर लगा दिया था। और जो पोरिंग के लिए चॉकलेट थी, इसमें मैंने तकरीबन लिया था 70 ग्राम चॉकलेट थी मेरे पास, और 30 ग्राम ऑयल मिक्स करके इसके अंदर इन दोनों को बस डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लो या माइक्रोवेव कर लो, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्टे देना है। जैसे मैंने पहले बना के रख ली थी, आधा घंटे स्टे दिया था, तो ये पोरिंग वाली कंसिस्टेंसी में आ गई थी कि आप इसे इजीली पोर कर सकते हो। तो ये दोनों लुक थे केक के, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग स्टेबल देख सकते हैं, बहुत स्टेबल थे। बस जल्दबाजी में केक बोर्ड थोड़ा सा साइड पर हो गया था, मैंने इसको जाते हुए ना मतलब एंड पर बिल्कुल इसको सेट कर दिया था, तो वो भी सेट हो गया था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।